क्योंकि भाई डांस भी कर रहे हो बढ़िया का, क्या डांस भी कर रहे हो बढ़िया का भाई, सब करना सब ए टू जेड भाई, पूरा लगे अपनी शादी यार। अब बोल वो क्या कौन सी कहावत होती है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। कर रहा है साइंस वाले कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाले भाई ऑब्वियसली, कोई पूछने वाली बात है ना कि भाई बाबर आप कहां से हो। बात तो सही है। रहे उद्योग नगर में देखते पीड़ागढ़ी साइड। हाँ, भाई वहां पर बैंकेट में बैंकेट है, जो अच्छा लगेगा रैंडमली घुस जाएंगे। हेलो व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड भाई मैं लेटा हुआ था, एंड भाई मैं क्योंकि अभी कटिंग करा के आया था, तो मैंने सोचा अब यार आज का दिन कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। एंड भाई मैं रोज बाहर तो रह रहा हूँ, पर मैंने सोचा आज का दिन भी करना चाहिए थोड़ा प्रोडक्टिव, वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए तू बाल कटवा लिए आज, मतलब मैं नहाऊंगा तो भाई काफ़ी सही लगूंगा। एंड भाई कुछ तो करना चाहिए, प्रोडक्टिव रखना चाहिए, क्या करें। तो मैंने डिसाइड किया है आज करते हैं वेडिंग क्रैश। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, काफी टाइम से मेरा मन था वेडिंग क्रैश करने के लिए, सो आज वो फाइनली दिन आ चुका है एंड आज करेगी वेडिंग क्रैश। एंड बस अब कपड़े देखता हूँ क्या निकालने, लेट्स गो। अब चलो अलमारी चेक करते हैं कौन से कपड़े मेरे बाहर है, कोट वगैरह तो वो पहन ले, कोट कहते हैं जीन्स पहन लेंगे, जीन्स क्योंकि मेरे को फटाफट से मिल गई बाहर ही बड़ी हुई थी, तो काली जीन्स पहन लेंगे। एंड भाई कोट देखे कौन कौन से पहन सकते भाई, ये मेरी अलमारी, इधर भाई टी शर्ट वगैरह है, इधर तो कोट तो दिख नहीं रहा मेरे को, कोट पता नहीं कहाँ है मेरा, देखते हैं भाई। बाकी इधर एक आधी वाइट जीन्स ज़्यादा कैजुअल स्टाइल भाई भाई, इसमें देखते इधर है कुछ, कोट तो इधर भी नहीं है, चलो यार शायद उधर वाली अलमारी में वो देखते हैं। तो नहीं, बट मेरे को शर्ट तो मिल चुकी है, काली शर्ट एंड भाई एक वाइट शर्ट भी मिल गई। अब जो इन दोनों से अच्छी लगी कोट क्या जो मैच करेगी वो पहन जाऊंगा। अब देखते हो यार कोट मिले पेप्स वाले दो भाई, एट लास्ट में वो कोट भी मिल चुका है मेरा। एंड भाई अब हो चुका पूरा आउटफिट रेडी, एंड अब इसको पहनेंगे, फिर शायद भाई को भी कन्विंस करता हूँ वो भी चले, तो दोनों चल लेंगे क्योंकि यार अकेले यार फन नहीं आएगा। सो लेट्स गो, एंड मैं नहाता हूँ धोता हूँ फिर रेडी होता हूँ, फिर आउटफिट दिखाता हूँ तुमको कैसा लग रहा हूँ मैं। एंड भाई फिर वेडिंग क्रैश करते हैं, देखते हैं या पकड़े जाते हैं एक्सपोज होता है प्लान या नहीं होता, क्योंकि मैं मम्मा को बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मम्मा को बता दी मम्मा जाने नहीं देगी। सो कुछ बहाना वहाना लगाएंगे, लेट्स सी क्या बहाना लगाए भाई। एट द एंड मैंने अपने जूते भी निकाल लिए, एंड भाई पूरा सब कुछ रेडी हो चुका आउटफिट। सो भाई अब नहाने चलते हैं, एंड भाई दीवानशु से पूछ लूंगा उसने चलना है चले, वरना मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि आज जाऊंगा जरूर, देख लेना कुछ भी हो जाए। और भाई फिर चलना है ना वेडिंग क्रैश फिर आज? बिल्कुल भाई, ये एक्सपीरियंस बार बार करने को ना मिलेगा, कपड़े ढूंढ ले अपने फिर जल्दी, कौन सा कोट है कोई भी पहन ले, कौन सा जो भी जानता है वहाँ पर। हाँ भाई जल्दी निकाल, मैंने तो अपने कपड़े निकाल लिए, मैं तैयार हो रहा हूँ बस 5 मिनट में, तू ही अपने निकाल जल्दी, देख सेट कर लिए बाकी देखते हैं, जल्दी निकाल जल्दी फटाफट। देखो मैं तो ऑलमोस्ट रेडी, मैं देख रहा हूँ व्हाइट शर्ट पहनू काली शर्ट पहनू, क्योंकि भाई क्या भाई सब करना सब ए टू जेड भाई, पूरा लगे अपनी शादी यार। अब वो कौन सी कहावत होती है, अब्दुल्ला शादा बेगोनी बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ, एंड भाई दीवानशु भी रेडी हो चुका है। भाई क्या पहना है फिर तूने? कोट पहना लगना तो चाहिए ना भाई, दुल्ले के भाई है या फिर कॉमर्स वाले की तरफ। सही बात है। एंड भाई मैंने पहन लिया भाई ऑल ब्लैक आउटफिट, बस जूते पहनने, अब जूते पहनते हैं। जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस वाले कॉमर्स वाले? कॉमर्स वाले भाई ऑब्वियसली, कोई पूछने वाली बात नहीं है कि भाई बाबर आप कहां से हो। बात तो सही है, तो हमें क्या जवाब देना है, हम कॉमर्स वाले तरफ से, हमें कॉमर्स की तरफ से। एंड भाई अगर तुमको अब तक क्लिक नहीं किया ये जो कहां से है, तो जाके 3 इडियट फिर से देखो भाई। तो भाई कितनी देर में निकलना अब? भाई निकलते हैं अभी, फिर बाद में रिस्क ना रहे ना। चल भाई अभी निकलते भाई, कॉट आउट ना हो जाए, 9 बज गए। तो गाइस अब हम गाड़ी में आ चुके हैं, एंड भाई हम दोनों रेडी है, एंड भाई सीधा चिकलते हैं अब, गाड़ी भी फुल रेडी अपनी। सो भाई कौन से बैंकेट सोचा? मैं देख रहे उद्योग नगर में देखते पीड़ागढ़ी साइड। हाँ, भाई वहाँ अच्छा। पर बैंकेट में बैंकेट है, जो अच्छा लगेगा रैंडमली घुस जाएंगे। यस भाई चलते फिर भाई, सीन सेट है, सीन फुल सेट है, ऑल सेट है, व्लॉग सेक्सी होना चाहिए, एंड पकड़े बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाएंगे गाड़ी में जाएंगे बिल्कुल, देखो रियल कोट पहने, एंड भाई वैले में भी बाकी है। लेट्स गो बॉयज। इधर दो बैंकेट है, एक ओलिवर है, एक टी शर्ट है,
दोनों में चलते हैं भाई, पहले प्रेशियस पे जाके देखते हैं फिर देखते हैं क्या सीन। दोनों में चलते हैं, प्रेशियस की ज्यादा अच्छी लग रही है ये, देख प्रेशियस का बैंकेट अच्छा है, ठीक है वहाँ पर चल लेते हैं एक बार उस पर भी चल लेंगे, बाकी ओलिवर वो सामने खाली बन जाता है वापस, क्या पता बैंकेट वाले दोनों में चल लेंगे इसमें जा रहे गाइस हम प्रेशियस। सो गाइस हम बैंकेट के अंदर आ चुके हैं एंड हमने आते ही लपेट लिए स्नैक्स। तो भाई जैसे जैसे टाइम बढ़े जा रहा था हमको हो रही थी टेंशन, और टेंशन को दूर करने के लिए हमने लपेटी टिक्की, फिर टिक्की तो खाई ली थी, फिर उसके बाद हमने भाई और स्नैक्स वैक्स देखे, खाए पिए, ऐश करी, फिर भाई पूरा देख रहे थे, मज़ा आ रहा था। फिर हमने एट द एंड डीजे पे बच्चों को नाच करते हुए एंजॉय करा, फिर बस बाहर आ गया। तो भाई सब खा चुके थे, हाउ वाज द वेडिंग क्रैश? मज़ा आ गया, इतना मज़ा तो खुद जो इनवाइटेड शादी में होता वो भी नहीं आता। नहीं तुम केक मत बोल, भगा देगा कोई, बोलेगा पैसे दो प्लेट। अब चलते हैं घर एंड घर पे करेंगे ब्लॉग को एंड। सो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ, वेडिंग क्रैश करके एंड इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड आई होप तुम भी एक ट्राई करो भाई, काफ़ी ही फन एक्सपीरियंस है, मेरी बकेट लिस्ट ही है एंड भाई उस पर टिक्का लग चुका है अब, एंड तुम भी जाओ इसको पूरा करो अगर तुम्हारी बकेट लिस्ट में है ये। सो अगर तुम्हें होप से ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। जाओ भाई मैं तो घर जाऊँगा, तो अपने घर पर जाओ। So, bye.